भैया भैया देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, भले तुम मुझे पप्पू समझो। एक अलग बस और एक नई जगह समेर इन हिमाचल। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ अभी मंडी, मंडी से आगे जाऊँगा प्राशर लेक। सो देखता हूँ वहाँ तक पहुँचते हैं। सर मंडी के लिए तरीके मिलेगा तो मंडी 4:20 पे आना भाई, 4:20 पे टिकट मैंने ले लिया। बस ये वाली है मेरी 5:75 की मेरी टिकट थी, जो कि यहीं से नीचे से ही मिली थी मेरे को टिकट। तो ऊपर जब मैंने पता किया था एजेंट से तो उसने मना कर दिया ऊपर टिकट देने से, तो नीचे से ही मेरे को टिकट मिली। लाइन लगी थी, 4:20 पे टिकट मिल जाती है, 4:40 पे बस चल जाती है। और ये वाली बस है मेरी HRTC की बस है और 575 की टिकट थी। तो अभी पता लगा कि जो प्राशा के लिए जो बस जाती है वो 7:45 पे जाती है और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 15 से जाती है। सो बेसिकली ये है कि पहले आपको आना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी, क्योंकि टिकट यहीं से बन के चलती है और टिकट जो है वो कंडक्टर ही देता है। डिजिटल आई एस पी टी मंडी SP हिमाचल प्रदेश। टील से एक शुरू करा है ट्रैक प्राशर लेक का, और मेरे को दो भाई लोग मिले हैं, जो एक तो काफ़ी बड़ा ट्रैवलर है, वो आ रहा है पीछे से, ये तो ट्रैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता है ट्रैकिंग। भाई आपका नाम क्या है? दिव्यांश। और आपका? शिखर पांडे। पांडे जी, पांडे जी बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हैं। और दूसरे तो हमारे जटाधारी बंदे हैं शिव जी, हमारे महेश्वरा और पीछे का भी कुछ इस तरीके का है। तो गाइस पांडे जी ने हमें 4 रूल बताए हैं फिलहाल अभी के लिए। पांडे जी पहला रूल क्या है? चलते रहो, लेकिन धीरे धीरे चलते रहो, कंटिन्यूटी, मतलब इट मीन्स आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और सेकंड रूल क्या है? अपने हाथ खाली रखो। हमारी तरह नहीं है कि ब्लॉगरों की तरह एक हाथ में कैमरा और एक हाथ खाली है, ये रिस्की हो सकता है, इसलिए दोनों हाथ खाली रखो। हम लोग के एक वो कल्लू राम हमारे साथ आ गया पीछे। कालू, कम हियर। पांडे जी तीसरा रूल, जिगजैग चलना है, इट मींस आपको यूं फिर यूं 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 इस तरीके से चलना है, जिगजैग तरीके से चलना है, एटलीट इससे थकोगे नहीं। तो पांडे जी चौथा, बैठना नहीं है, चलते रहना है, हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाए तो आपको चलते रहना है। कीप स्टैंडिंग। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बीड़ी का बंडल मिला है, इससे ये पता चलता है यहाँ पे ह्यूमन आए थे, यही रास्ता है, हम सही बात कर रहे हैं। कालू का साथ नहीं छोड़ेगा भाई साहब, कालू पीछे पीछे आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, अगर किसी ट्रैक पे जा रहे हो ना तो कोई ना कोई है ना कुत्ता या भेड़ वगैरह जहाँ पर हो तो मिल ही जाती है। वैसे ह्यूमंस में पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था मून पे, सेकंड किसने रखा था? उसी का था। एग्जैक्टली, स्मार्ट ब्रो। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ों में लोगों के पास पानी कहाँ जाता है, वहाँ पर कोई समरसेबल कुछ तो होता नहीं है, तो ये होते हैं, ये ऊपर से
वाटर स्प्रिंग्स आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर गांव वालों के पास इसको सप्लाई किया जाता है। वाटर सोर्स को इकट्ठा करने का एक जरिया यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है नीचे के गांव के लिए। देखो पाइप भी है, ये वाला पाइप जा रहा है ना, ये पाइप नीचे तक जाएगा। गाइस बस ये काम मत किया करो, ये गंदगी मचा देते हैं भाई साहब। देखो प्लेन वाले आते हैं यार, गंद मचा के चले जाते हैं। तो ऊपर आओ, हिमाचल का मजा लो, हिमाचल की वादियों का मजा लो। पर स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश के माता कर लिया मोदी, ये दूसरा मोदी। वंस मोर भाई और बहनो, हम लोग जो जा रहे हैं आपको गंद नहीं मचाना है, आप हिमाचल आए गंद ना मचा के जाए, मजा लें। मैं आप भाई मैं बहनों, मजा लेना बुरा है क्या? आप बताइए बुरा है क्या? ना तो भाई बहनों अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए गंदगी नहीं करेंगे। भैया देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, भले तुम मुझे पप्पू समझो। भैया देखो ये वाला आया था रास्ता जिससे बस से हम आ रहे थे, बट बस ने हमें नीचे छोड़ दिया था। सो ट्रैक करके, ये तो बस का रूट है, हम ट्रैक करके आए इस रूट से। बेसिकली तीन पॉइंट है ट्रैकिंग करने के, पहला पॉइंट था बागी, दूसरा था कांडलू और तीसरा था ये कील। तीन पॉइंट है, आप इससे कर सकते हो। पांडे जी हमें बताएंगे पाँचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। पैरों को थोड़ा सा आगे झुक के चलो, झुक के चलो ठीक है। बेसिकली अपना वेट पीछे तरफ लेके जाओगे तो गिरोगे, आगे रखोगे अपनी पीठ पे आ जाओगे तो बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आता है पानी पियो, तो कैसे पीना है, बोतल लेनी है, जितना से कम पानी ले सकते हैं। लिया, पूरे मुंह में पानी को फैलाया, स्कूल ने कुल्ली किया, तो इसको पीना है। तो पीना नहीं है, बेसिकली मुंह गीला करना है वाइल्ड ट्रैकिंग, क्या पता आपको पानी ऊपर मिले ना मिले। ओके क्योंकि पेट भर लोगे तो फिर यही है कि वेट बढ़ जाएगा, आपको ट्रैक करने में फिर दिक्कत है। और लास्ट पॉइंट यह है कि आपका बैग जो होना चाहिए हल्के से हल्का होना, मॉडरेट वेट हो, जरूरी चीज़ें ही साथ में लेके जाओ। ये नहीं कि कुछ भी भर के जा रहे हो, सेल्फी खींचनी है फोटो खिंचवानी है तो कपड़े लाद के चल दिए, फालतू की चीज़ें लेके चल दिए, ऐसे नहीं पहन के। ये काम मत करना और लूज कपड़े पहन के चलो। हाँ शुरू में लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि नहीं हो पाएगा, बट अब बता रहा, अब मजे आ रहे हैं। ये गिटार से बजा के दिखा दो, टिंग 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 टिंग। नेशनल एंथम फॉर एवरी म्यूजिशियन। एक ये दूसरा गुलाबी यहाँ से नजारे देख रहे हो, सांस फूल गया। पांडे क्या बोलेगा, वर्थ इट है ये? आओ जी आओ जी, किसी भी चकलो इधर। सो दिव्यांश कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ तक का? हैं मजा आ गया, मजा आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ी थकावट हुई बट धीरे धीरे। और ये पीछे का नज़ारा देखो जरा, देखा कभी ऐसा? पांडे जी जोश में, यो बेबी।